तो यार ये तेरी यार यहाँ से थोड़ा यार डिफ़िकल्ट है, गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ रही यार, यार आराम से भी नहीं आ रही। अब मुझे यार हैंड ब्रेक भी उठानी पड़ेगी, सफ़र में पीछे आता हूँ थोड़ा, यहाँ से यार कोशिश करता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। कैसे यार सब जो यकीन है यार सब ठीक होंगे। और गाइस यार आज की वीडियो होने वाली है होंडा एक्स टाइप आर सिविक्स एक्स, यानी कि उस पर हम यार ऑफ रोडिंग करेंगे। और गाड़ी यार मैंने रात को चेक करवाई थी, गाड़ी का सारा जितना भी इंजन का काम था सारा यार उधर शोरूम से ही चेक करवाया था। गाड़ी ठीक है लेकिन जब मैं अब वैसे चल रहा हूँ तो अभी चलते चलते इसका पानी भी चेक करता हूँ। पहले यार आपको अपना 70 और साथ में 125 दिखाते हैं। जो भाई कह रहे थे आप CD 70 लो, तो अब यार मैं सोच रहा हूँ ये वाला 70 है तो दूसरा CD जो ड्रीम है 70 वो वाला ले लूँ। तो क्या कहते हो यार, अगर मुझे लेना चाहिए तो कमेंट करो। अब यार मैं इसका इंजन चेक कर लेता हूँ फिर उसके बाद आपसे बातें करता हूँ। वैसे यार पानी वानी नज़र आ रहा है, लेवल यार सब कुछ ठीक है गाड़ी का, और तो इतना खास कुछ नहीं है। चलें यार बंद करती हूँ और सीधा निकलते हैं माउंटेन चिलवाड़ वाली साइड यार निकलेंगे, वहाँ पर यार ऑफ रोडिंग करेंगे। वो यार मुझे एक और चीज़ कमेंट सेक्शन में बताना यार, इसके चार ये वाले टायर कैसे लग रहे हैं। मैं यार दूसरे वाले लगा रहा था, पापा ने कहा यार ये वाले ठीक हैं। और मैं इसी तरह के यार एक और थे उसमें थोड़ा साइड पे जिस तरह से यार ये सिंगल है वो डबल थे, तो वो वाले मैं लगाना चाह रहा था। फिर मैंने सोचा यार अगर यार पापा कह रहे तो चले ये वाले लगा लेते हैं। अब यार मैं चलता हूँ सीधा इधर से यार हम निकलेंगे, और फिर वहाँ से माउंटेन चिलियाड़ वाले से वहाँ पर यार आज गाड़ी की ऑफ रोडिंग टेस्ट करते हैं, गाड़ी कैसी हमें रिजल्ट देने वाली है। यार मेरा ये ऑफ रोडिंग मैंने इसलिए बनाया क्योंकि इससे पहले मैंने इस गाड़ी पे ऑफ रोडिंग टेस्ट नहीं की। इससे पहले यार मैंने तकरीबन यार सारी गाड़ी कवर की हुई है, और मेरी यार रिबॉन है वो रिबॉन अब मैं कह रहा हूँ यार इसे अगर मजीद मॉडिफाई करवाया जाए तो कैसा रहेगा। क्यों मैं कह रहा हूँ यार उस पर थोड़े स्टिकर विकर ऐड करके उसे अच्छा सा यार बना लूँ। अब यार मैं यहाँ से चलता हूँ ये, हाँ यार यही से यार गाड़ी अब थोड़ी आवाज़ें निकालने शुरू कर दी हैं इसने। तो यार अभी तो ये शुरुआत है यार, ट्रेलर है थोड़ा, आगे चलिए तो हमें पता ही चलेगा। अब चलते हैं देखते हैं यार क्या कुछ होने वाला है। अब मेरा रास्ता यार इधर हाँ सीधा ही चलना पड़ेगा, तो सीधे से आगे थोड़ा नीचे टहलूँ। वैसे यार मैंने पापा को नहीं बताया होगा यार गाड़ी में आज लेके जाने वाला हूँ। पापा शोरूम पे गए हुए हैं, कुछ पेमेंट वगैरह भी आनी थी। और यार एक और चीज़ उन्होंने मुझे बताई है कि एक दो दिन तक यार सुजुकी मेहरान की शिपमेंट आने वाली है, ये न्यू शिपमेंट। उसमें यार हम वाइट कलर नहीं मंगवाने वाले, उसमें हम डिफरेंट कलर मंगवाएंगे क्योंकि हमसे यार कस्टमर डिमांड कर रहा है, इसीलिए हम उसमें डिफरेंट कलर मंगवाने वाले हैं। अगर आप में से यार कोई भाई वो कलर लेने चाहे कोई भी मेहरान में तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें, और साथ में ये भी बता देना मेहरान के बाद हमें कौन सी शिपमेंट लानी चाहिए। वैसे यार ये गाड़ी मुझे काफ़ी पसंद है। अब मैं सोच रहा हूँ कि पापा जी मैंने कहा तो ये वाली गाड़ी अगर मंगवाई जाए तो कैसा रहेगा, यानी कि नेक्स्ट शिपमेंट हम इसकी ले आते हैं सिविक्स एक्स की। तो वैसे ये मुझे गाड़ी टोयोटा की यार वैसे भी गाड़ी मुझे पसंद है। एक और यार इसका मॉडल है जो सिटी, अगर यार कोई भाई वो पसंद करते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। वो गाड़ी वैसे मुझे पसंद है, होने वाले ये तो यार है ही है साथ में वो भी है। और अब यार आप कह रहे होगे कि यार दरमियान से गाड़ी क्यों नहीं ड्राइव कर रहा, तो यहाँ से यार दरमियान में इसलिए ड्राइव नहीं कर रहा क्योंकि दरमियान से रास्ता है थोड़ा खाली है और गाड़ी उससे थोड़ी कम है, समझ गए होगी यकीन यार खुद जी। तो अब यहाँ से मैं स्लोली आ रहा हूँ लेकिन यार मुझे फिर भी इसे थोड़ी रेस ज़्यादा देनी पड़ रही है क्योंकि गाड़ी यार यहाँ से हल्की रेस भी नहीं आ रही। वैसे इधर मैंने कुछ पिछली जो ऑफ रोडिंग की है उसमें तो गाड़ी यह सबर सबर यहाँ से चलो यार आसानी से आ गई है, तो उसमें यार गाड़ी आराम से आ जाती है, लेकिन यार ये वाली थोड़ी यार रेस ज़्यादा मांग रही है। अब पता नहीं यार इसकी रेस का प्रॉब्लम है या फिर गाड़ी का अपना ये। यार अगर कोई भाई किसी भाई ने इस पर ऑफ रोडिंग की हो तो उन्हें पता होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में यार बता देना कैसी, यानी कि यही चीज़ जो मैं कह रहा हूँ ये ठीक है या फिर ये फिर गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं है, हम पापा ने सेटिंग इसी तरह करवाई हुई है। तो अब यार जो आप कह रहे थे कि मैं CD 70 खरीदूँ, तो उसका यार पुराने वाले का अगर कोई भाई लेना चाहे तो मुझसे रब्ते करें, नहीं तो यार मैं न्यू ड्रीम ले लेता हूँ उसे फिर चार शेयर कर दूँगा। तो यार ये तेरी यार यहाँ से थोड़ा यार डिफ़िकल्ट है, गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ रही यार आराम से भी नहीं आ रही। अब मुझे यार हैंड ब्रेक भी उठानी पड़ेगी, सफ़र में पीछे आता हूँ थोड़ा,
यहाँ से यार कोशिश करता हूँ मैं, अब ये हो जाए। ठीक है ठीक है ठीक है, वो यार टायर ही नहीं इसके ना ख़राब हो जाए। वैसे चाहो शुक्र है यार उधर से गाड़ी लगी नहीं है बिल्कुल यार, उसके शार था छोटी सी क्या यार, यार टायर बिल्कुल यार बहुत ज़्यादा धुआं मार रहे हैं, ये ना और यार टायर में आग लग जाए। पीछे फिर थोड़ा सा पीछे फिर आगे ही आगे, अगर यार ज़्यादा पीछे चला गया फिर गाड़ी ऊपर नहीं आएगी यहाँ तक, फिर यार मुझे वापसी होना पड़ेगा। लेकिन मैं हार नहीं मानता, वापसी नहीं होता। और ये गई मैं निकल आया यहाँ से, अब मैंने वैसे भी टॉप पे जाना है यहाँ से यार, मुझे ये जगह वैसे पर्सनली अच्छी लगती है इसीलिए मैं यहाँ पे ज़्यादातर ऑफ रोडिंग करता हूँ। आपने जितनी भी पुरानी ऑफ रोडिंग वाली वीडियो देखी होगी वो यार तकरीबन यहीं पर है, और यहाँ पर ये जगह मुझे अच्छी लगती है थोड़ा यार, ये हमेशा यार यहाँ से मेरे साथ यही मसला है। और गाड़ी यहाँ से कोई भी गाड़ी, हाँ यार एक गाड़ी यहाँ से आराम से गई थी, वो जब रिबॉन वाली ऑफ रोडिंग हुई थी वहाँ से यार रिबॉन आराम से गई थी यहाँ से, क्योंकि थोड़ा यार अटक रही थी, वजह ये थी उसकी यार साइडें थोड़ी टच हो रही थी। वैसे यार उस गाड़ी ने मुझे तंग नहीं किया, और यार ये काफ़ी तंग कर रही है यहाँ से ऊपर जाने में यार। अब ऊपर पहुँचने पर मैं देख रहा हूँ यार मुझे इसे डैश में से कितने नंबर देने चाहिए, शुक्र है यार अभी पीछे लग गई थी, अब जो बारह से आगे और फिर थोड़ा पीछे, क्योंकि गाड़ी फिर यार टर्न करके ऊपर लानी पड़ेगी। यहाँ से मैं कोशिश करता हूँ यार आराम से हो जाए, लेकिन लग नहीं रहा जिस तरह से यार मुझे गाड़ी थोड़ी तंग करती हुई नज़र आ रही है। अब देखो यार क्या होता है। वैसे यार ये गाड़ी बैठी हुई भी थी लेकिन इसे मैंने इसकी थोड़ी सस्पेंशन कम किए, फिर भी गाड़ी यार ऊपर नहीं जा रही। रिबॉन यार उसकी यार मैंने काफ़ी हाई पे रखी है, अब कोशिश करता हूँ एक ही रेस में जा 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 वही तेरी, शुक्र है यार आ गई। वापसी पे यार इतना मसला नहीं होता, वापसी पे गाड़ी आ जाती है, लेकिन यार जाते हुए यहाँ से ऑफ रोडिंग में काफ़ी तंग करती है, क्योंकि यार बहुत मुश्किल मुश्किल से यहाँ से ट्रैक है। वैसे यहाँ पे यार ये असल में ये ट्रैक बने हुए हैं SUV गाड़ियों के लिए जो होती है यार ऑफ रोडिंग के लिए, आप यार हम इस पर ज़बरदस्ती करेंगे तो भाई ये कुछ तो नहीं है, लेकिन एनी हाउ यार फिर भी करनी पड़ती है, क्या करूँ यार इसकी भी ऑफ रोडिंग मैंने कहा आपको ट्रैक करवा दूँ, इसीलिए फिर इस पे थोड़ी ज़ोर ज़बरदस्ती करनी पड़ी। यार आपको किसी दिन V8 टोयोटा V8 की भी ऑफ रोडिंग चेक करवाऊँगा, लेकिन अब मैं वो उसके लिए यार कोई अच्छी सी जगह ढूंढ रहा हूँ, या फिर यही जगह ठीक है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब यार इतनी वो मुश्किल आज हमने खड़ी है, शुक्र शायद पे हो गया गाड़ी चाहें यार तंग ना करी, शुक्र है यार यहाँ से चली, हालांकि यार फुल गाड़ी रेस पे भी जा रही है फिर भी थोड़ी जो चढ़ाई है उसमें थोड़ा यार प्रॉब्लम दे रही है। वैसे सीधे ट्रैक पे जो गाड़ी आराम से चली जाती है कोई भी गाड़ी हो, लेकिन यार यहाँ से थोड़ी मसला करती है ये, या फिर ज़्यादा ही कुछ मसला कर रही है। तो आप अब यार तकरीबन मेरी ऑफ रोडिंग कम्प्लीट होने वाली है, मैं पहुँचने ही वाला हूँ। अब यार आप क्या कहते हो इस गाड़ी के बारे में, इसको कितने नंबर मिलने चाहिए 10 में से? मैं तो यार इस गाड़ी को 10 में से 7.5 नंबर दूंगा, क्योंकि यार ये गाड़ी वैसे मुझे अच्छी लगती है ये बात नहीं है, ये ना को यार आप मैं नफरत करता हूँ इस गाड़ी को, मैं इस तरह कह रहा हूँ। अदर यार वैसे जनरल बात कर रहा हूँ कि ये क्या यार मेरी तो ऑफ रोडिंग कम्प्लीट नहीं, और अभी यार सफ़र करना अभी नहीं जाना वीडियो छोड़ के, ऊपर तक हमने जाना है टॉप तक। मैंने कहा यहाँ पे हो जाएगी, हमेशा यार मेरे साथ पिछली भी एक दो वीडियो मैंने बनाई हुई उसमें भी इस तरह हुआ। मैं समझता हूँ यार ट्रैक ख़त्म हो गया, लेकिन अभी यार अभी पार्टी शुरू हुई है यहाँ से, और ये वाला रास्ता अब वैसे एक और मसला भी है, रास्ता थोड़ा तंग है इसी वजह से गाड़ी थोड़ा तंग कर रही है। अब देखता हूँ ऊपर तक गाड़ी जाएगी या नहीं, वैसे पेट्रोल वगैरह रात को ही मैंने इशारा कुछ इस गाड़ी का। अच्छा एक और चीज़ भी है, दूसरी गाड़ी में जब भी लेकर आता था, यानी कि जो पुरानी मैंने ऑफ रोडिंग की है उसमें मैं जब गाड़ियाँ लेके आता था मैंने इतनी टेस्ट वेस्ट नहीं करवाई, ये मैंने टेस्ट भी करवाई है गाड़ी, और चेक करवाने के बाद अफाक भाई के पास चेक भी करवाई थी साथ में, इसके कुछ इंजन में जितनी भी प्रॉब्लम थी उन्होंने कहा हमने देख लेंगे, और गाड़ी का आयल वाइल सब कुछ चेंज होना था वो तो मैंने नहीं करवाया, शायद उसी वजह से गाड़ी थोड़ी तंग कर रही है। वैसे और सारा काम इसके जितना भी था मैंने चेक करवाया, तो उन्होंने कहा यार ठीक है सुबह जाते हुए पानी चेक कर लेना, तो यार पानी वानी सब कुछ पूरा है, और मैं तो यार टॉप से नीचे आ गया हूँ, वैसे आना टॉप भी था, चलो अब नीचे आ गए तो इधर ही साइड पे कहीं गाड़ी लगाते हैं, और आपको भी अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। और अगर यार वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। गाड़ी चेक करो फिर यार अल्लाह हाफिज़ कहूँगा। और इस गाड़ी की वैसे यार फ्रंट की लुक को काफ़ी ज़बरदस्त होती है, स्पोर्टी टाइप लुक है, इसी वजह से यार ये गाड़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, और इसकी बैक भी काफ़ी खूबसूरत है इस गाड़ी की।
और इसके टायर टायर यार वैसे इसके साथ ये वाले कैसी लग रही है मुझे यार लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।